ज्वालामुखी मंदिर में अश्विन नवरात्रों को लेकर मंदिर न्यास की अहम बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम अंकुश शर्मा ने की। आपको बता दें कि ज्वालामुखी मंदिर में अश्विन नवरात्रि 29 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चलेंगे। बैठक में एसडीएम अंकुश शर्मा ने नवरात्रों में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने सभी प्रबंधकों के बारे में ब्यौरा लिया। उन्होंने बताया कि इन अश्विन नवरात्रों में श्रद्धालुओं को बेहतर से बेहतर सुविधा दी जाएगी। ज्वालामुखी मंदिर में न्यास की बैठक की गई है, जिसमें नवरात्रों को अच्छे व्यवस्थित तरीके से संपन्न करवा पाए, इसके लिए इन नवरात्रों में अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। सभी टीमों को रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी परिभाषित कर दी है। इन नवरात्रों में सुरक्षा संबंधी पुख्ता इंतजाम, पार्किंग की व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, लंगर की व्यवस्था और श्रद्धालुओं से संबंधित मूलभूत सारे मुद्दे लिए गए हैं और संबंधित विभागों को कार्य करने के लिए दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पीने के पानी के लिए सप्लाई आएगी और अगर फिर भी पानी पूरा नहीं हुआ तो प्रशासन टैंकरों के जरिए पीने का पानी मुहैया करवाएंगे। उन्होंने मेलों के दौरान साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित बनाने तथा मेलों के दौरान सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर अस्थायी शौचालयों की सुविधा उपलब्ध करवाने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। ये 28 तारीख से शुरू हो गए और आज हमने नवरात्रों को हम अच्छे व्यवस्थित तरीके से संपन्न करवा पाए, इसके लिए हमने मीटिंग करी है। सारे हमारे ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स उपस्थित रहे, ट्रस्ट के मेंबर्स थे, तो हमने कुछ एक टीमों का गठन किया है और कुछ एक इश्यूज जो पहले हमारे ध्यान में आए हैं उनके ऊपर चर्चा करी है और टीमें बना के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने परिभाषित कर दी हैं। और मेलों के दौरान भी हम सब एक एज अ टीम एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे और हमारी कोशिश रहेगी, भरपूर कोशिश इनफैक्ट के मेलों के दौरान हम ये जो मेलों का समापन है इनको एक सुव्यवस्थित तरीके से करवा पाए। सीएम के गृह जिला मंडी का राजेंद्र ठाकुर कर्नाटक में होने वाली ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में दमखम दिखाएगा। इंटर यूनिवर्सिटी में शानदार प्रदर्शन के लिए इन दिनों राजेंद्र कड़ी मेहनत कर रहा है। राजेंद्र ठाकुर बल्लभ कॉलेज मंडी में बीसीए द्वितीय वर्ष का छात्र है। आपको बता दें कि सिराज में हुई इंटर कॉलेज क्रॉस कंट्री में राजेंद्र ने तीसरा स्थान हासिल किया था। अब राजेंद्र का चयन इंटर यूनिवर्सिटी के लिए हुआ है। आगामी 6 अक्टूबर को कर्नाटक के बेंगलोर यूनिवर्सिटी में इंटर यूनिवर्सिटी क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप होगी। राजेंद्र के शानदार प्रदर्शन से बल्लभ कॉलेज मंडी में खुशी की लहर है। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर राकेश शर्मा ने राजेंद्र को इंटर कॉलेज क्रॉस कंट्री में मिले प्रमाण पत्र को देखकर सम्मानित किया और इंटर यूनिवर्सिटी क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। बल्लभ कॉलेज में कार्यरत फिजिकल एजुकेशन के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर सुनील सेन ने बताया कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप लंबाथाच कॉलेज में हुई थी, जिसमें प्रदेश भर से 38 कॉलेजों के 300 से अधिक धावकों ने भाग लिया, जिसमें राजेंद्र को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। वहीं राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि कांस्य पदक मिलने पर उन्हें बेहद खुशी है। अब वे इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप के लिए तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि वे बेहतरीन प्रदर्शन कर मेडल लाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में राजेंद्र के प्रदर्शन पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि यहां पर शानदार प्रदर्शन करने पर मंडी कॉलेज का नाम देश भर में छा सकता है। राजकीय आर्य महाविद्यालय नूरपुर की NSUI इकाई द्वारा SDM नूरपुर के माध्यम से शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा गया, जिसमें ये मांग की गई कि यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जानकारी देते हुए NSUI के छात्र व छात्राओं ने बताया कि 2018-19 वाले छात्रों का रिजल्ट बहुत ही खराब निकाला गया है। ज्ञापन के माध्यम से ये सवाल किए गए कि शिक्षा के परिणामों में इतनी देरी क्यों लगी और बिना परिणाम घोषित किए ही उन छात्रों को दूसरे वर्ष में दाखिला कैसे दे दिया। छात्र व छात्राओं ने
यूनिवर्सिटी प्रशासन पर आरोप लगाए हैं कि परिणामों में देरी का सभी छात्र संगठन बहुत विरोध कर रहे थे, जिस वजह से यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जल्दबाजी में आधा अधूरा व गलत परिणाम घोषित किए हैं। NSUI का कहना है कि इन परिणामों को लेकर बच्चे बहुत मानसिक तनाव में हैं और कॉलेज में जो छात्र 12वीं कक्षा में अच्छे अंकों से पास हुए थे व जिनका क्लास टेस्ट में भी अच्छे अंकों से पास होते रहे हैं, वे भी छात्र फेल कर दिए गए हैं। ज्ञापन के माध्यम से दो ही मुख्य मांगे रखी गई है कि जो भी छात्र फेल हुए हैं उन्हें दूसरे वर्ष में ही रहने दिया जाए व सप्लीमेंट्री एग्जाम देने का मौका दिया जाए, और जो एक दो अंक से फेल हुए हैं उन्हें फ्री रिवैल्यूएशन की सुविधा दी जाए। है कि बच्चों को पहले इन्होंने बोला हुआ था, न्यूज़पेपर में दिया हुआ था कि 40% के अब बच्चे पास होंगे। अब इन्होंने बताया है कि जैसे हर एक थ्योरी में भी पास होना पड़ेगा, प्रैक्टिकल में भी पास होना पड़ेगा। अब जैसे टीचर ने प्रैक्टिकल में बच्चे खुद में फेल किए हुए हैं, प्रैक्टिकल में बच्चे फेल किए हुए हैं जानबूझ के इन्होंने। और मान लो अगर बच्चों ने किसी बच्चे ने कुछ कर लिया तो कौन जिम्मेवार होगा इसका? अगर किसी को कुछ हो गया तो फिर इसमें कौन? BCA तो कुछ करे ही नहीं, तो कम से कम बच्चों को तो मौका तो देना चाहिए कि कम से कम बच्चे पास हों। आधे से ज़्यादा बच्चों को तो प्रैक्टिकल और थ्योरी में इन्होंने एक एक नंबर नहीं दिया, कम से कम ग्रेस मार्क लगा के तो बच्चों को पास कर दो। एक साल उनका वेस्ट किया उन्होंने, ऊपर से अब दूसरा साल वेस्ट होगा, बच्चे ना आगे के एडमिशन ले पाएंगे, आगे के एडमिशन ले पाएंगे ना आगे कुछ कर पाएंगे वो। तो सर उनको मौका देना चाहिए कम से कम।